सरपंच की तकरूरी तनाजे से पीएम मोदी नाखुश। कॉमन सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम तनाजे में चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा के बयान के बाद लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मुकररी में सरकार की रजामंदी भी जरूरी है। जुडिशियरी के लिए हमारे दिल में पूरी इज्जत है, लेकिन सरकार ने जो किया उसके पीछे ठोस वजह थी। जानकारी के मुताबिक इस पूरे तनाजे को लेकर पीएम बेहद नाखुश है। दूसरे बैंक के एटीएम का पहली बार यूज करने पर भी लग सकता है चार्ज। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को सलाह दी है कि दूसरे बैंक के एटीएम का पहली बार यूज करने पर भी चार्ज लगना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन पर कस्टमर से 20 रुपए वसूले जा सकते हैं। मौजूदा हालात में कस्टमर्स को हर महीने दूसरे बैंक के एटीएम से 5 मर्तबा मुफ्त ट्रांजैक्शन की इजाज़त है। शशि थरूर ने कहा सुनंदा के मामले में पूरा सच सामने आए। फॉर्मर सेंटर मिनिस्टर शशि थरूर की बीवी सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव मिलने के मामले में डॉक्टर के आरोप के बाद शशि थरूर ने फेसबुक के जरिए कहा, सुनंदा को खोने के बाद से ही मैंने मामले की गहरी जांच की मांग की है। पुष्कर खानदान की भी यही राय है। चाइना के शिनजियांग में रमजान के रोजे रखने पर लगी पाबंदी। चाइना ने मुस्लिम आबादी वाले शिनजियांग में रमजान के दौरान रोजा रखने पर पाबंदी लगा दी है। इस बाबत सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को हुक्म दिया गया है कि कोई भी ना तो रोजा रख सकता है और ना ही दूसरी किसी मजहबी सरगर्मियों में शरीक हो सकता है। इससे पहले शिनजियांग सरकार ने एम्प्लॉय से कहा था कि वो रमजान में रोजा ना रखें क्योंकि उससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आर्मी ने घुसपैठ की दूसरी कोशिश नाकाम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले फौज ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की दूसरी कोशिश नाकाम कर दी है। वाज़ह है कि एलओसी पर 24 घंटे से भी कम वक्त में दहशतगर्दों की घुसपैठ की ये दूसरी कोशिश थी। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी और दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। इससे पहले पिछले 30 जून और 1 जुलाई की आधी रात को पाकिस्तानी फौजियों ने पुंछ जिले में एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए हिंदुस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की थी। अमित शाह को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, अब 22 कमांडो से घिरे रहेंगे अमित शाह। वजीर आजम के खासम खास अमित शाह को अब जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। सोर्सेज के माने तो अमित शाह अब 22 कमांडो से घिरे रहेंगे। ये सिक्योरिटी उन्हें हमले की आशंकाओं के खतरे को मद्देनजर रखते दी जाएगी। वो मुल्क में जहां कहीं भी रुख करेंगे जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। वाजे रहे, शाह ने यूपी में बीजेपी को मिली शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें अब तक गुजरात की पुलिस की भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ट्विटर पर केआरके का नया बवाल, बोले कपिल शर्मा ने दी डॉन को मेरी सुपारी। ट्विटर पर सेलिब्रिटी के साथ उलझने वाले कमाल आर खान ने इस बार कपिल शर्मा को अपना निशाना बनाया है। केआरके का आरोप है कि कपिल शर्मा ने उनके नाम की सुपारी डॉन को दी है। केआरके ने ट्वीट किया, एक शख्स मुझे लगातार फोन करके बोल रहा है कि वह डॉन है और कपिल शर्मा ने मुझे मारने की सुपारी दी है। यही नहीं, केआरके ने दो फोन नंबर भी आम किए हैं और दावा किया है कि इन्हीं दो नंबरों से धमकी वाले फोन आ रहे हैं।